हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज आवर वीडियो नंबर 7। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे स्विंग में कंपोनेंट्स ऐड करने की, स्विंग में इनपुट्स लेने की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। फॉर एग्जांपल, आप स्विंग के अंदर किस तरीके से डायलॉग बॉक्सेस जनरेट करते हैं, आप स्विंग के अंदर किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट का हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन। इतना ही नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि चेक बॉक्स वगैरह, वो भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 7, जो स्विंग का थर्ड वीडियो है और प्रोजेक्ट का वीडियो नंबर 7 है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले यूआई बना लेते हैं उस एप्लीकेशन का जो मैंने आपको दी थी। सो स्विंग जीयूआई बिल्डर में जाकर हमेशा की तरह एक नई जेफ्रेम क्लास मैंने ली। इस बार मैंने नाम दिया अपने फ्रेम को KM2 मीटर कन्वर्टर। फ्रेम KM2 मीटर कन्वर्टर फ्रेम ये मैंने नाम रखा, फिनिश करा। एज यूजुअल नेटबीन्स आपको ब्लैंक फॉर्म बना के दे देगा। पैनल ड्रैग करा मैंने फॉर्म के ऊपर, पैनल को स्ट्रेच करा और फ्रेम को भी थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच कर लिया, तो ये दोनों थोड़े साइज में इंक्रीज हो गए। अब अपन आते हैं लेबल पे। ये एक लेबल रखा मैंने, उस लेबल के सामने एक टेक्स्ट फील्ड रखी जिसमें यूजर किलोमीटर एंटर करेगा। ये मैंने दूसरा लेबल रखा, उस लेबल के सामने दूसरी टेक्स्ट फील्ड रखी जिसमें हम मीटर दिखाएंगे। एंड अदर देन दिस प्रोवाइड करे मैंने 3 बटन्स, एक कन्वर्जन करेगा, एक से आप स्क्रीन या टेक्स्ट फील्ड्स क्लियर करेंगे और एक से एप्लीकेशन को आप क्विट करेंगे। ये अभी अपने बेसिक फॉर्म में है, अब इन्हें हम थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। सबसे पहला काम लेबल पे चलते हैं। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा, कुछ चीजों में सबकी प्रॉपर्टीज कॉमन सेट कर सकते हैं आप, तो इन सब को कॉमन तौर पर सेलेक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में जाकर इनका फॉन्ट आप एक कॉमन सेट करना चाहते हैं तो फॉन्ट पे आकर यहाँ बोल्ड करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपन 14। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेबल को थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा, इस लेबल को थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा अंदर के टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट फील्ड्स को भी आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस। स्ट्रेच करते हैं तो आप देखते होंगे नेटबीन्स आपको कुछ बार्स दिखाता है, लाइंस दिखाता है अलाइनमेंट शो करने के लिए। जैसे समय वो सेकंड वाली टेक्स्ट फील्ड और फर्स्ट वाली टेक्स्ट फील्ड को राइट अलाइन कर रहा है एक साथ, इसके लिए वो आपको एक बार दिखा रहा है, जिसका ध्यान रखा करिए, थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देते हैं अपन, ये मैंने हाइट इंक्रीज करी। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप एडिट टेक्स्ट में आएंगे। अब एडिट टेक्स्ट में आकर हर एक का अपन टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया कन्वर्ट, ये हो गया सेकंड वाले का एडिट टेक्स्ट क्लियर, ये हो गया थर्ड वाले का टेक्स्ट चेंज क्विट। साथ में लेबल के लिए मैंने कैप्शन सेट कर दिया, एंटर किलोमीटर्स, ये आपने यूजर को मैसेज दिया। साथ में इस लेबल के लिए भी मैंने टेक्स्ट चेंज करा और यहां लिख दिया आफ्टर चेंजिंग मीटर्स। ये हो गए दोनों लेबल सेट। तो ये हो गया हमारा यूआई तैयार थोड़ा सा। अब इसमें कलर्स वगैरह सेट कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले इन सब का फॉन्ट कलर, इन चारों का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर मैं चेंज कर रहा हूं। इन सबको सेलेक्ट करा मैंने, इनका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर मैंने कर दिया व्हाइट और बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक। तो इनका फोरग्राउंड कलर सेट हो गया, ये इन चारों का सेट हो गया बैकग्राउंड कलर। साथ में पैनल को सेलेक्ट करा, पैनल का भी बैकग्राउंड कलर सेट करके अपन ने कर दिया ब्लैक। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन का बेसिक यूआई बनके तैयार हो गया। रन करने पर एप्लीकेशन तो आपको नजर आएगी लेकिन कोई एक्शन एप्लीकेशन की तरफ से नहीं लिया जाएगा। ये आपका बेसिक यूआई किलोमीटर टू मीटर कन्वर्टर का। ठीक
ठीक है। अब दूसरी जरूरी बात जो मैंने आपसे बोली थी, इन कंपोनेंट्स को आप थोड़े से मीनिंगफुल नाम दे दें, इनको ये नाम देने के लिए जिन जिन कंपोनेंट से आपको इंटरेक्ट करना है उनके आप मीनिंगफुल नाम रखें। तो मुझे इंटरेक्ट करना है इन दो टेक्स्ट फील्ड से, तो मैंने इस टेक्स्ट फील्ड का नाम रख दिया TXTKM, गौर कीजिएगा। देन सेकेंड वाली टेक्स्ट फील्ड का नाम मैंने रख दिया TXTMeter। देन इस बटन के लिए मैंने नाम रखा BTNConvert। सेकेंड वाले बटन के लिए मैंने टाइटल रखा या नाम रखा BTNClear। और थर्ड वाले के लिए मैंने नाम रखा BTNQuit। ये हो गए इनके कंपोनेंट्स के नाम अरेंज। अब ये करने के बाद आपका अगला टास्क होगा इनके लिए इवेंट्स हैंडल करना। किसकी इवेंट हैंडलिंग करनी है हमें जल्दी बताएं? इवेंट हैंडलिंग करनी है हमें तीनों बटन्स की, राइट? फाइन, तो शुरू करते हैं हम सबसे सिंपल बटन से और वो है हमारा क्विट बटन। क्विट की इवेंट हैंडलिंग करने के लिए एज यूजुअल क्विट पे राइट क्लिक करेंगे आप, इवेंट्स में जाएंगे, एक्शंस में जाएंगे, आ जाएंगे आप एक्शन परफॉर्म। इनिट कॉम्पोनेंट को हाइड कर रहा हूं मैं ताकि हमें हमारा रेलिवेंट कोड नजर आए। और क्विट के अंदर फिलहाल तो कुछ करना नहीं है सिवाय एक लाइन के, एंड दैट इज System.exit0। पहली लाइन क्लियर है आपको? उसके बाद आते हैं डिजाइन पे सेकंड वाले बटन के लिए। सेकंड वाले बटन को क्लिक करने पर मैं चाहता हूं दोनों फील्ड्स क्लियर हो जाएं और फोकस चला जाए पहली वाली फील्ड। इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो, रन हो, तो जो सेकंड वाला टेक्स्ट फील्ड है उसमें यूजर कोई चेंजेस ना कर पाए, राइट? तो अगर हम चाहते हैं सेकंड वाले टेक्स्ट फील्ड में कोई चेंजेस ना हो पाए, सबसे ऊपर नोटिस करिए आपको एडिटेबल नाम की एक प्रॉपर्टी दिख रही है, उसे कर दीजिए अनचेक। इसको अगर आप अनचेक कर देते हैं तो फिर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर किसी तरह के चेंजेस यूजर की तरफ से जावा अलाउ नहीं करेगी। एज अ प्रोग्रामर आप इसके कंटेंट्स चेंज कर पाएंगे कि नहीं? एज अ प्रोग्रामर आप इसके कंटेंट्स चेंज कर पाएंगे कि नहीं? अगर एडिटेबल फॉल्स कर दिया है तो बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन यूजर नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब आते हैं अपन सेकंड वाले बटन पे, विच इज क्लियर इन दिस केस। इसके लिए इवेंट जनरेट कराते हैं और अब इसकी इवेंट हैंडलिंग करते हैं। इसमें मुझे करने हैं तीन काम। पहला काम, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना है, ठीक है? इसके लिए दो लाइन का स्टेटमेंट लगेगा TXTKM.setText और पैरामीटर में आप देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग TXTMeter.setText, इसके भी पैरामीटर में आप देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। ये कर लेने के बाद मैं चाहूंगा फोकस पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में वापस आ जाए। फोकस लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूजर को पता लगना चाहिए कि वो जब टाइपिंग करेगा तो टेक्स्ट कहाँ टाइप होगा। अगर फोकस नहीं लाया आप और यूजर ने टाइपिंग शुरू कर दी तो वो टाइप करेगा भी तो भी उसे कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि फोकस को फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के अंदर लाया जाए। और ये करने के लिए आप लिखेंगे TXTKM.requestFocus। रिक्वेस्ट फोकस एक मेथड है जो किसी भी कॉम्पोनेंट पे कीबोर्ड का फोकस ले आएगा। सो द मोमेंट दिस लाइन विल रन, द फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड दैट इज किलोमीटर टेक्स्ट फील्ड विल गेन द कीबोर्ड्स फोकस, ठीक है? हालांकि ये ऑप्शनल है लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस, आपको ये करना चाहिए, ठीक है? तो आपके ये दोनों बटन्स के काम हो गए, लेकिन टेस्ट देम, रन कीजिए, ठीक? यहाँ कुछ लिखिए, टाइप समथिंग, टाइप करने के बाद क्लियर करिए तो आप नोटिस कर सकते हैं क्लियर हो जाएगा, फोकस इसमें आ जाएगा, क्विट पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सब समझ आ गया? वेरी गुड। अब आ जाइए वापस डिजाइन पे और पहले वाले बटन की बात करते हैं। जो पहला वाला बटन आपने बनाया है ये बटन है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए इसके एक्शन परफॉर्म में, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें अगला काम करना है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहला टास्क होगा कि आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड है आप उसकी वैल्यू उठाकर एक वेरिएबल में रिसीव करें, करनी पड़ेगी, राइट? तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, नाम दिया मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल का KMSTR, राइट? किलोमीटर इन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू TXTKM डॉट, कैसे लेंगे टेक्स्ट फील्ड का डेटा? कौन है जो आपको टेक्स्ट फील्ड के अंदर के कंटेंट्स लाकर देगा? वेरी गुड, टेक्स्ट फील्ड का मेथड है गेट टेक्स्ट, ठीक है? लेकिन ये चीज स्ट्रिंग में आई है आपके पास। अगर आप इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई तभी होगा
जब आप इसे कन्वर्ट कर पाए इंटीजर में, राइट। तो आपका अगला स्टेप होगा आई एन टी के एम इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स आई एन टी, और यहां आप पास कर देंगे के एम एस टी आर। तो के एम के अंदर ये वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाएगी इंटू द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। इसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो विल से आई एन टी मीटर इज इक्वल्स टू के एम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू मीटर, जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास मीटर नाम के वेरिएबल में। और अब इसे कैसे दिखाएंगे आप सेकंड टेक्स्ट फील्ड में? ये जो मीटर आया ये सेकंड टेक्स्ट फील्ड में दिखना भी तो चाहिए, वो कैसे होगा? वेरी गुड, इसके लिए आप लिखेंगे टी एक्स टी मीटर डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के पैरामीटर में आपको पास करना पड़ेगा मीटर। बट द प्रॉब्लम इज मीटर है इंटीजर, सेट टेक्स्ट को चाहिए स्ट्रिंग। फिर क्या करें? फिर वही करें जो इतने दिन से करते आए हैं, कॉल करें इसका वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू ऑफ, यहाँ टू स्ट्रिंग की बात मत कर लीजिएगा, टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के पास होता है। और मीटर क्या है? मीटर ऑब्जेक्ट है कि मीटर वेरिएबल है? मीटर एक वेरिएबल है, और जावा में वेरिएबल्स के पास कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट जावास्क्रिप्ट कि आप इसके साथ टू स्ट्रिंग लगा पाए, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ स्ट्रिंग, तो आपको कहना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एंड देन इसके पैरामीटर में पास करेंगे आप मीटर, तो वैल्यू ऑफ इसे कन्वर्ट करके दे देगा स्ट्रिंग। या फिर आपके पास अपना दूसरा तरीका है, प्लस के साथ डबल कोट्स कंकैटनेट कर दीजिए बाय राइटिंग मीटर प्लस डबल कोट, तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है चीजें? गुड, अब इसको करिए आप रन। रन करने पर आपको अकॉर्डिंगली इफेक्ट दिख जाएगा। सो द मोमेंट यू विल रन द एप्लीकेशन, यहां मैंने किलोमीटर की वैल्यू पास करी, मान लीजिए 15, कन्वर्ट पे क्लिक करा तो मुझे वैल्यू मिल गई 15,000। मैं ये भी चाहता हूँ इसके साथ मीटर भी लिखा हुआ है, सो नो बिग डील, यहाँ प्लस करके आप लिख सकते हैं स्पेस देकर मीटर्स, ठीक। तो अब आप जब रन करेंगे तो आपको मैसेज में मीटर वर्ड भी देखने को मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे टाइप करा 25, कन्वर्ट करा, आई गॉट द मैसेज 25,000 मीटर्स। क्लियर है इतना कोड? आगे बढ़ू, ठीक है। फिर मैंने क्लियर पे क्लिक करा, दोनों टेक्स्ट फील्ड्स क्लियर हो गई। सेकेंड वाली टेक्स्ट फील्ड में आप देख सकते हैं मेरे माउस को क्लिक करने की परमिशन जावा की तरफ से नहीं मिल रही है, जबकि पहले वाले के अंदर हम जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं, जो भी टाइप करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू कन्वर्ट होकर आ रही है। क्लियर पे क्लिक कर क्लियर हैं तो टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो रहे हैं, क्विट पे क्लिक कर रहे हैं तो एप्लीकेशन बंद हो जा रही है, ठीक है। अब आप अगर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एप्लीकेशन में ढेर सारी कमियां हैं। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर फ्रेंडलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम जो इस एप्लीकेशन के अंदर है वो ये कि अगर यूजर ने गलती से यहाँ पर टाइप करते हुए कोई स्ट्रिंग दे दी, लेट से उसने यहाँ टाइप कर दिया सचिन, और फिर उसने टाइप करा कन्वर्ट पे, सो व्हाट द कोड विल डू? द कोड विल थ्रो एक्सेप्शन। बैकग्राउंड एरिया पे आप देखिएगा पूरा रेड कलर में एक्सेप्शन से स्क्रीन आपकी भर जाएगी। नोटिस करिए, इज इट अ गुड प्रैक्टिस? क्या ये अच्छी बात है कि आपकी एप्लीकेशन ऐसे बिहेव करे? नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस तरीके का रिस्पॉन्स ना दे, तो हमें अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करनी पड़ेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो कैसे की जाएगी? वो कैसे की जाएगी आपको पता है, यहां कैसे अप्लाई करेंगे बस वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं ट्राई, ठीक। थ्योरी कहती है ट्राई वहां से शुरू करिए जिस लाइन से एक्सेप्शन आने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप बताइए टी एक्स टी के एम डॉट गेट टेक्स्ट, इस पे कोई एक्सेप्शन आ सकती है? नहीं आ सकती, ये तो सिर्फ डेटा लेकर आ रहा है। इस पे एक्सेप्शन आ सकती है पार्स आई एन टी पे? यस। तो ये वाला पार्ट आपका शिफ्ट होना चाहिए इन साइड द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। आप सभी ने एक्सेप्शन लर्निंग पढ़ी होगी, यहां से आपका ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो जाना चाहिए। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप के एम की वैल्यू रखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही मीटर आएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही सेट टेक्स्ट आएगा। अब मुझे बताइए आपने ये मीटर वाला और सेट टेक्स्ट वाला ट्राई में क्यों रखा है? क्या ये दोनों भी एक्सेप्शन देंगे? ये जो अगली दो लाइनें हैं क्या ये भी एक्सेप्शन दे सकती हैं? बोलिए जल्दी। तो जवाब है नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं देंगी, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन इस लाइन पर डिपेंड जरूर कर रहा है जो किलोमीटर में कन्वर्जन कर रही है। अगर किलोमीटर प्रॉपरली कन्वर्ट हुए तब तो मीटर बनेंगे, और मीटर प्रॉपरली कन्वर्ट हुए तब तो टेक्स्ट फील्ड में डेटा आएगा। तो एज पर द रूल्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग ये दोनों लाइनें
फर्स्ट वाली लाइन पे डिपेंड कर रही हैं, इसलिए इन्हें ट्राई के अंदर रखना ही पड़ेगा। ठीक, फिर इसके बाद आएगा इसका करस्पॉन्डिंग कैच, कौन सी एक्सेप्शन आती है पार्स एंटी की तरफ से, वेरी गुड, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो यहां पर आप लिखेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट, और यहां आपने लिख दिया ईएक्स। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें वो एक्सेप्शन की वो रेड कलर के मैसेजेस सब दिखना बंद हो जाएंगे। यस, अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपको वो मैसेजेस दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन कुछ होगा भी नहीं, ये भी ध्यान दीजिए। आप चेक करिए, आपने कन्वर्ट पे क्लिक करा, एक्सेप्शन आई, कुछ पता ही नहीं चला। ये जो मैंने करा है इसको बोलते हैं स्वॉलोइंग द एक्सेप्शन। सुना आपने ध्यान से, ये इंडस्ट्री का टर्म है। ये जो मैंने करा है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है प्रोग्रामर की तरफ से, और इंडस्ट्री में बोलते हैं आपने एक्सेप्शन को क्या कर लिया, आपने एक्सेप्शन को स्वॉलो कर लिया। स्वॉलो समझते हैं ना, राइट, खा नहीं लिया, निगल लिया, पूरी एक्सेप्शन आपने निगल ली, आपने दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया कि कभी कुछ गलत हुआ भी था, राइट। तो ये भी तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना कि एक्सेप्शन को सॉल्व करा जाए। अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आप एंड यूजर को बताएं कि उसके इनपुट में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अब एक समस्या ये है कि बताएं कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर एसओपी लिखते हैं तो आप मानते हैं ये बेकार है एक्चुअल में। अगर आप यहाँ एसओपी लिखेंगे तो ये तो मैसेज दिखाएगा कंसोल पे, और जब इस एप्लीकेशन को यूजर रन करेगा तो कंसोल थोड़ी दिखेगा उसे, है ना। तो जितनी आपने जावा पढ़ी है, जितना आप समझ रहे हैं चीजों को, आपको लगेगा कि यहाँ पर एक लेबल लेना चाहिए मुझे। लेकिन अब आप बताइए, एक लेबल खाली एरर दिखाने के लिए लेंगे हम, और तो कोई काम है नहीं उस लेबल का, खाली एरर दिखाने के लिए। वेरी गुड, तो ऐसी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पॉपअप बॉक्सेस देती हैं, जिन्हें जावा की दुनिया में कहा जाता है डायलॉग बॉक्सेस। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पॉपअप बॉक्सेस देती हैं, और इन्हें कहा जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ जावा डायलॉग बॉक्सेस। आप इन्हें डायलॉग बॉक्सेस बुलाते हैं। तो हमारा अगला टास्क होगा डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू इस प्रॉब्लम को हैंडल करा जाए। अब सवाल आता है, डायलॉग बॉक्सेस जावा में कितने होते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन में उन्हें कैसे लाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। चलिए पढ़िए, जावा में डायलॉग बॉक्सेस कितनी तरह के होते हैं बताएं। स्क्रीन को अगर आप गौर से पढ़ें तो जावा में डायलॉग बॉक्सेस तीन तरह के होते हैं, ओके। एक का नाम होता है जावा में मैसेज डायलॉग, ओके। इससे क्या होता है, इस डायलॉग बॉक्स से यूजर के सामने एक पॉपअप स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन में आपका लिखा हुआ टेक्स्ट आएगा, जो भी टेक्स्ट आप यूजर को देना चाहते हैं, और साथ में ऑटोमेटिकली दो बटन आएंगे जिनको क्लिक करने पर ये स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगी। आ रही है बात समझ, बिल्कुल अलर्ट की तरह। एक बटन आएगा जिस पे लिखा होगा ओके, जिसको क्लिक करने पर ये स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगी। तो मैसेज डायलॉग की जरूरत आपको कब पड़ती है, मैसेज डायलॉग की जरूरत आपको सिर्फ तब पड़ती है जब आपको यूजर को कुछ दिखाना हो, कुछ मैसेज देना हो, राइट। ना आपको यूजर से कुछ कंफर्मेशन मांगना है, ना आपको यूजर से कोई वैल्यू चाहिए, सिर्फ आप उसको बताना चाहते हैं ऐसा होने जा रहा है या ऐसा हुआ है। तो हमारा जो केस था ट्राई कैच का, उसमें हमें यूजर को मैसेज ही देना है ना कि स्ट्रिंग्स मत टाइप करिए, सिर्फ इंटीजर्स टाइप करिए, करेक्ट। तो इस स्थिति के लिए बेस्ट है कि आप यूज करें मैसेज डायलॉग, ठीक। सेकेंड तरह का डायलॉग बॉक्स जो जावा देती है वो है कन्फर्म डायलॉग। कन्फर्म डायलॉग आप तब यूज करते हैं जब आपको यूजर से क्वेश्चन पूछना, राइट, कोई एक्शन लेने से पहले कन्फर्मेशन आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब यूजर एप्लीकेशन क्विट कर रहा है तो प्रोग्राम तुरंत बंद हो जा रहा है, यस, प्रोग्राम तुरंत बंद हो जा रहा है। क्या प्रोग्राम को तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अधिकतर एप्लीकेशन रिकॉल कीजिए बंद होने से पहले आपसे एक बार कन्फर्मेशन जरूर मांगती हैं, राइट। तो आपको भी कन्फर्मेशन मांगना चाहिए, यूजर हाँ बोले तो एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए, ना बोले तो एप्लीकेशन चलती रहे। ये फीचर आप लाएंगे वाया कन्फर्म डायलॉग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे तो कुछ प्रॉपर इनपुट लेना है यूजर से, कोई स्ट्रिंग लेनी है, कोई नंबर लेना है वाया डायलॉग बॉक्स, मुझे वो नंबर अपने फ्रेम वगैरह के थ्रू नहीं लेना, पैनल के थ्रू नहीं लेना, सिर्फ जब पॉपअप आए तो यूजर से मैं कुछ ले पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं जब मेरी एप्लीकेशन बंद हो तो मैं यूजर से उसका नाम मांगू और उसके नाम के साथ उसे थैंक यू बोलूं। अब आप मुझे बताइए, क्या इस समय हमारे फ्रेम पे नाम लेने के लिए कोई टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम यूजर से नाम ले पाए, नहीं है। क्या बनाई जा सकती है, बनाई तो जा सकती है लेकिन बहुत अजीब लगेगा, यूजर को समझ नहीं आएगा इस टेक्स्ट फील्ड का क्या रोल है, जबकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का ये एप्लीकेशन है। तो अगर आपको लगता है आपको पहले से कोई टेक्स्ट फील्ड फ्रेम पे नहीं रखनी है,
आपको यूजर को अपनी तरफ से डायनेमिकली इनपुट लेने के लिए कहना है, तो इस काम के लिए आप यूज कर सकते हैं जावा में तीसरा डायलॉग बॉक्स, और जावा का तीसरे डायलॉग बॉक्स का नाम है इनपुट डायलॉग। तीनों का पर्पस समझ आ गया आपको? तीनों का पर्पस समझ आ गया? ये सिर्फ मैसेज के लिए होगा, कुछ हाँ नहीं, कुछ ना नहीं, कुछ कंफर्मेशन नहीं, कुछ इनपुट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैसेज, प्लेन एंड सिंपल मैसेज। यूजर को डेट दिखानी है, एक्सेप्शन रिलेटेड मैसेज दिखाना है, कोई रिजल्ट दिखाना है किसी कैलकुलेशन का, तो आप यूज करेंगे मैसेज डायलॉग। यूजर से कुछ सवाल करने हैं जिनका आपको जवाब चाहिए, लेकिन वो जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा, उसके लिए आप यूज करेंगे कन्फर्म डायलॉग। वो जवाब डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सिर्फ येस नो और कैंसिल, तीन तरह के जवाब यूजर दे पाएगा। और इनपुट डायलॉग के अंदर बकायदा यूजर से आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं इनपुट। अब दूसरा चैलेंज आता है, ये डायलॉग बॉक्सेस आएंगे कैसे? क्या ये पैलेट के थ्रू आएंगे? ऑब्वियसली बात है, ये पैलेट के थ्रू नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम के फ्रेम पे पहले से नहीं है, ये डायनेमिकली जनरेट होंगे। मानते हैं आप, अगर पैलेट से उठाकर ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाते तो पहले ही आपके फ्रेम पे दिखने लगते। ये तब आने चाहिए जब आपकी एप्लीकेशन में रन टाइम पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन डायलॉग बॉक्सेस को लाने के लिए जावा ने आपको एक क्लास प्रोवाइड करी है, स्क्रीन पे आपके उसका नाम आ रहा होगा। उस क्लास का नाम है जे ऑप्शन पेन। कौन से पैकेज में ये क्लास अवेलेबल है? ये उसी पैकेज में है जिसमें बाकी सारी स्विंग क्लासेस हैं, दैट इज जावा एक्स डॉट स्विंग। ओके, इस क्लास के पास तीन स्टैटिक मेथड्स हैं। कितने स्टैटिक मेथड्स हैं? तीन स्टैटिक मेथड्स हैं। स्टैटिक है तो इस क्लास के नाम से कॉल होंगे। जी हाँ, स्टैटिक है तो क्लास के नाम से कॉल होंगे। और मैं ये भी बता दूं, ये स्टैटिक मेथड्स ओवरलोडेड भी हैं। ओवरलोडेड है मतलब, ओवरलोडेड है मतलब मैसेज डायलॉग के, ये आप नोटिस करिए, आपको तीन तीन वर्जन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? मैसेज डायलॉग के तीन वर्जन है, ऐसे ही कन्फर्म डायलॉग के मल्टीपल वर्जन है, ऐसे ही इनपुट डायलॉग के मल्टीपल वर्जन, बट प्राइमरीली तीन मेथड्स हैं। एक से आप मैसेज डायलॉग लाते हैं, एक से आप कन्फर्म डायलॉग लाते हैं, एक से आप इनपुट डायलॉग लाते हैं। अब मैसेज डायलॉग के जो तीन मेथड आपको दिख रहे हैं, मैं उसमें से आपको तीसरा वाला समझा रहा हूं, तो बाकी दो अपने आप कवर हो जाएंगे। आर्गुमेंट लिस्ट चेक करिए, तीसरे वाले में सबसे ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं। हम इसे समझ लें तो बाकी दो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं समझाने जा रहा हूं आपको शो मैसेज डायलॉग कैसे काम करता है। शो मैसेज डायलॉग स्टैटिक मेथड है, कॉल करते हुए आपका सिंटेक्स हो जाएगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और इसका जो आखिरी वर्जन है वो आपसे लेता है टोटल पांच आर्ग्यूमेंट्स। गौर करिएगा, जरूरी नहीं है पांचों के पांचों दिए जाएं, आप दो आर्ग्यूमेंट से भी काम चला सकते हैं। सुनिए गौर से, अब इन पांच में जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो उस कॉम्पोनेंट का नाम है जिसके अंदर, जिसके सेंटर में आप ये डायलॉग बॉक्स लाना चाहते हैं। मेरी बात को समझने के लिए इस सिनेरियो को समझिए। इमेजिन करिए ये आपका लैपटॉप की स्क्रीन है, इमेजिन करिए ये आपका फ्रेम चल रहा है, राइट? और फ्रेम के अंदर ये आपने कुछ यूजर से इनपुट विनपुट लेने के लिए कोड लिखा हुआ है, राइट? और यहां पर आपका ये बटन, सपोज करिए ये एक बटन आपने बना रखा है, और इस बटन को क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आप बताइए, वो जो डायलॉग बॉक्स आएगा, वो डायलॉग बॉक्स क्या आपको आपके फ्रेम के अंदर चाहिए या आपको डेस्कटॉप के अंदर चाहिए? अगर आपको लगता है सर फ्रेम के अंदर चाहिए, अगर आपको फ्रेम के अंदर चाहिए तो यहाँ पर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की जगह पर आप पास करेंगे वो फ्रेम का रेफरेंस पास करेंगे, और उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम दिस से हो जाएगा, क्योंकि आप इस समय फ्रेम क्लास के अंदर ही तो हैं। बट आप अधिकतर केसेस में देखेंगे जो एरर मैसेजेस होते हैं वो डेस्कटॉप के सेंटर पे ज्यादा प्रेफर करे जाते हैं। विंडोज में भी कभी गौर करिएगा, जब विंडोज में आप कुछ गलती करते हैं और विंडोज आपको कोई एरर मैसेज दिखाती है तो वो डेस्कटॉप के सेंटर पे ही दिखाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका मैसेज डेस्कटॉप के सेंटर पे आए तो आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की जगह पर पास कर देना होता है नल। अगर आप चाहते हैं डेस्कटॉप के सेंटर पे आए तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को कर दीजिए नल, ठीक है? देन आता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो मैसेज है जो मैसेज आप डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखाना चाहते हैं, जो आपके सामने पॉपअप स्क्रीन आएगी उसमें क्या लिखकर चाहिए आपको, जो भी मैसेज आपको लिखा हुआ चाहिए वो आप यहां पास करेंगे। तो हमारे केस में हम क्या लिखेंगे, अभी जो हम प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं, हम लिखेंगे प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। तो ये जो प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली हम लिखेंगे वो पास होगा एज सेकेंड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो बनेगा यूजर को दिखाया जाने वाला एक मैसेज। क्लियर है? दोनों क्लियर हुए आर्ग्यूमेंट, राइट? ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हैं स्ट्रिंग स्टाइल में जो है, ये है टाइटल।
ओके, जो आपको आपके डायलॉग बॉक्स के ऊपर सेट करना है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे वो डायलॉग बॉक्स का टाइटल बनकर आएगा, जैसे फ्रेम का टाइटल सेट करा था आपने, ऐसे ये डायलॉग बॉक्स का टाइटल। जो चौथा आर्गुमेंट आप देख रहे हैं वहां पर पास करे जाएंगे कुछ कॉन्स्टेंट, वहां पर पास करे जाएंगे कुछ कॉन्स्टेंट, गौर से सुनिएगा। और इन कॉन्स्टेंट्स की मदद से जावा ये तय करेगी कि डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से आइकन्स लाने हैं, डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से आइकन्स लाने हैं। अगर आपको लग रहा है हमारे पास कौन कौन से आइकन्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो गौर करिए, अगली स्लाइड आपको बता रही है। अगर आपने वो इंट की जगह ये लाइन लिख दी, जे ऑप्शन पेन डॉट एयर अंडरस्कोर मैसेज, तो आपको क्रॉस का आइकन नजर आएगा। देखते हैं आप, रेड कलर का एक क्रॉस या पिंक कलर का एक क्रॉस आता है विंडोज में, वो आएगा। अगर आपने क्वेश्चन मैसेज लिखा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, अगर आपने इंफॉर्मेशन मैसेज लिखा तो आई आएगा, और अगर आपने प्लेन मैसेज लिखा तो कोई आइकन आएगा ही नहीं, जावा कोई आइकन नहीं दिखाएगी अगर आपने यहां लिखा प्लेन मैसेज, राइट। अब सवाल आता है हम प्लेन मैसेज क्यों देना चाहेंगे, तो आप प्लेन मैसेज इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि आप आइकन अपनी तरफ से लाना चाहेंगे। अपनी तरफ से आइकन कैसे लाएंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे पांचवा आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप चाहते हैं आपको जावा के कोई आइकन नहीं चाहिए, आपको अपना आइकन चाहिए, अपनी फोटो यहाँ पे दिखानी है आपको, तो आपको अगर अपनी फोटो यहाँ पर दिखानी है तो इस फोटो को रिप्रेजेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे एज फिफ्थ आर्ग्यूमेंट। और ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, अभी पढ़ के गए आप वेंसडे थर्सडे, ये ऑब्जेक्ट इमेज आइकन क्लास का होगा, इमेज का नहीं होगा, इमेज आइकन का होगा। मैंने आपसे कहा था ना, आइकन जावा में इंटरफेस है, जहां भी आइकन सुनने में आएगा वहां यूज होगा इमेज आइकन। पांचों आर्गुमेंट्स क्लियर हो गए, लौटते हैं अपनी एप्लीकेशन पे और इसकी गलती को सुधारते हैं। तो सबसे पहला सुधार अपन हमारे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट बटन के लिए करते हैं। कैच तक तो हम आ ही गए हैं, इंट क्यों है, इंट आइकन है, ये चार आपको इंटीजर ही तो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये चार कैपिटल लेटर्स में अगर दिख रहे हैं प्रदीप, तो ये क्या होंगे, दिमाग लगाइए, ये जावा में पब्लिक स्टैटिक इंटीजर्स हैं, और इन इंटीजर्स की मदद से आप जावा को ये हिंट देते हैं कि आपको आइकन कौन सा चाहिए, राइट। इन इंटीजर्स में आइकन नहीं है, ये इंटीजर में सिर्फ न्यूमेरिक कोड है, उस न्यूमेरिक कोड को देखकर जावा तय करती है कि उसे आइकन कौन सा लाना है, ठीक। चलिए समझिए आगे, अब आते हैं अपन अपने कैच के अंदर। अब अगर इस कैच में आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले लिखना होगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग लिखना होगा, ठीक है। शो मैसेज डायलॉग में मैं यूज कर रहा हूं पहले आर्गुमेंट की जगह पे नल, दूसरा आर्गुमेंट मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, यूजर को कहा जा रहा है सिर्फ डिजिट्स इनपुट करिए। तीसरा आर्गुमेंट टाइटल है, टाइटल में मैंने लिख दिया एरर, तो यूजर को स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा कोड में एरर है, राइट। चौथा मैं चाहता हूं आइकन आए, और मैं चाहता हूं जावा का आइकन मैं ला पाऊं, तो जावा के पास एरर के लिए कोई आइकन है, बोलिए जल्दी, जावा के पास एरर के लिए आइकन है, लेकिन उसे लाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कोई इमेज नहीं है जो आप यहां लाएंगे, वो एक कांस्टेंट है जो आप यहां लिखेंगे, जो जे ऑप्शन पेन क्लास के अंदर मौजूद है एज अ स्टैटिक इंटीजर, ठीक। तो आप यहां लिखेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट एरर अंडरस्कोर मैसेज। अब एप्लीकेशन को रन कीजिए, रन करने के बाद यहां कुछ गलत इनपुट टाइप करिए, और गलत इनपुट टाइप करके जैसे ही आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ रहा है, चेक करिए ऊपर एरर लिखा हुआ रहा है, वो आपका टेक्स्ट है जो आपने टाइटल के तौर पे यूज करा है, अंदर आपका मैसेज आ रहा है प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, और ऑटोमेटिकली आपको एक बटन भी दिख रहा है जिसपे कैप्शन डाला हुआ है ओके। ये बटन और इसकी इवेंट हैंडलिंग आपको नहीं करनी है, ये बटन आपको कौन बना के दे रहा है, ये बटन आपको जावा ही बनाकर दे रही है, और ओके करने पर ये डायलॉग बॉक्स हट जाए, ये कोड भी जावा में लिखा हुआ है, यस, इसकी भी आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है। तीसरी बात याद रखिएगा, ये डायलॉग बॉक्स ऐसा डायलॉग बॉक्स है जो पूरा फोकस अपने ऊपर गेन कर लेगा, जब ये पूरा फोकस अपने ऊपर गेन कर लेगा, दिमाग लगाइए, उस केस में आप तब तक फ्रेम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप यहां पर ओके प्रेस ना करें। तो सी लैंग्वेज में गेट सी एच पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है गेट सी एच प्रोग्राम को रोक देता है, और जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते हैं तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता, बिल्कुल ऐसे अब आप अपने फ्रेम से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रोग्राम में क्विट कर दूं बिना इस
डायलॉग बॉक्स को हटाए बिना आप क्विट कर पाएंगे, ना क्लियर कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पहले इस डायलॉग बॉक्स को हटाना पड़ेगा, तब फ्रेम पे फोकस आएगा और आप फ्रेम से कर पाएंगे इंटरैक्ट। क्लियर हो गया मैसेज डायलॉग, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है शो कंफर्म डायलॉग। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अच्छा, पहले मैं आपको आइकन लाना बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए। इन केस आपको लग रहा है आपको जावा का आइकन नहीं चाहिए, आपको अपनी तरफ से आइकन चाहिए, तो यहाँ क्या पास करेंगे? जावा का आइकन नहीं चाहिए तो यहाँ पहले जावा को बोलिए प्लेन अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लास्ट आर्गुमेंट के तौर पे इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट पास करें। तो हम डायरेक्ट न्यू इमेज आइकन लिख दें, अलग से इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट ना बनाकर डायरेक्ट यहाँ न्यू इमेज आइकन लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे डी कोलन फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, और मेरे पास एक क्रॉस डॉट जी आई एफ है, तो मैंने क्रॉस डॉट जी आई एफ को यहाँ पर पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट टू दिस कंस्ट्रक्टर, और इसको अपन ने कर लिया फिक्स इम्पोर्ट। अब करिए आप रन, जैसे ही आप इसको रन करेंगे और अब की बार आपने क्लिक करा कन्वर्ट पे, नोटिस करिए इस बार जावा वाला क्रॉस ना आकर आपका वाला इमेज का आइकन आप ला पा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी प्रेफर्ड इमेजेस अपने डायलॉग बॉक्स पे दिखा सकते हैं। ये भी क्लियर हुआ, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब बात करते हैं क्विट वाले कोड की। जैसा मैंने कहा आपकी एप्लीकेशन क्विट के प्रेस करने पर क्विट तो हो रही है, लेकिन लॉजिकली होना ये चाहिए कि क्विट के क्लिक होने पर यूजर से कंफर्मेशन लेना चाहिए, मानते हैं, और फिर एप्लीकेशन को बंद होना चाहिए। ये कैसे करेंगे? अगर ये करना है आपको तो डायलॉग बॉक्स का सेकंड वर्जन यूज करें आप, और उस सेकंड वर्जन का नाम है कंफर्म डायलॉग। कंफर्म डायलॉग लाने के लिए आपके पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है शो कंफर्म डायलॉग, और ये मेथड भी जे ऑप्शन पेन क्लास का ही मेथड है। तो कॉल इसे कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जे ऑप्शन पेन के क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके वर्जन देखें तो जावा के पास इसके कितने ओवरलोडेड वर्जन है? तो जावा के पास इसके 4 ओवरलोडेड वर्जन है। हम सीधे चौथे वर्जन पे चलते हैं। चौथे वर्जन में भी अगर आप गौर से देखें तो मैक्सिमम आर्गुमेंट शो मैसेज डायलॉग से मैच कर रहे हैं। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ कंपोनेंट का मतलब उस कंपोनेंट का नाम जिसके अंदर आपको डायलॉग बॉक्स दिखाना है। फ्रेम के अंदर दिखाना है तो दिस पास कर दीजिए, पैनल के अंदर दिखाना है तो पैनल का नाम पास कर दीजिए, और अगर आपको डेस्कटॉप के सेंटर पे दिखाना है तो नल पास कर दीजिए। देन ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे भी वो टेक्स्ट है जो मैसेज के तौर पे दिखना है। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे भी वो टाइटल है जो आपको डायलॉग बॉक्स पे दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, इस इंट को छोड़ रहा हूं, ये वाला इंट अभी भी आइकन है और ये आइकन अभी भी आपके आइकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताइए एक्स्ट्रा आर्गुमेंट कौन सा है यहाँ पर? एक्स्ट्रा आर्गुमेंट यहाँ पर एक नया इंट है। सवाल आता है इस इंट से क्या होगा? जवाब है इस इंट से आप ये तय करेंगे कि इस डायलॉग बॉक्स पे आपको कौन कौन से बटन चाहिए। क्या मैसेज डायलॉग ने आपको ऑप्शन दिया कि बटन कौन सा आएगा? नहीं दिया। मैसेज डायलॉग अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली एक ही बटन ला रहा था जिसपे टाइटल था ओके, लेकिन शो कंफर्म डायलॉग आपको ऑप्शंस देता है कि आप कौन कौन से बटन चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स में आए। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जो हैं वो काम आपके आ जाएंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं गौर से देखिए सेकंड लिस्ट को। अगर आपने बोला यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट लिस्ट को देखिए, सेकंड लिस्ट नहीं, पहले फर्स्ट लिस्ट देख लीजिए। अगर आपने बोला यस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन, कितने बटन आएंगे? नाम से समझ में आ रहा होगा 2 बटन आएंगे। एक पे लिखा होगा ऑटोमेटिकली यस, एक पे ऑटोमेटिकली लिखा होगा नो। अपने आप इन पे यस नो का टाइटल लिखकर जावा कंफर्म डायलॉग पे इनको ऐड कर देगी। ये क्लियर है, ठीक है। अगर आपने ओके कैंसिल करा तो आपको 2 बटन मिलेंगे, एक का टाइटल होगा ओके, एक का टाइटल होगा कैंसिल, राइट। अगर आपने यस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर कैंसिल करा तो क्या होगा? तो आपको मिलेंगे 3 बटन। 3 बटन कौन कौन से? एक यस, एक नो और एक कैंसिल। यहाँ 3 बटन दिखेंगे, कैप्शन इनका वो ही होगा यस नो कैंसिल। और अगर आपने डिफॉल्ट करा तो आपको डिफॉल्ट ऑप्शंस मिलेंगे, यानी ओके का बटन मिलेगा। याद रखें ना इन बटन्स का टेक्स्ट आप बदल सकते हैं, ना ही आप ये चाह सकते हैं कि मैं 3 की जगह 4 बटन ले आऊं, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सब प्री प्रोग्राम्ड है। अगर आपको लगता है आपको अपनी तरफ से कुछ चाहिए तो फिर बेटर है आप जावा के डायलॉग बॉक्सेस यूज ना करके अपना खुद का एक फ्रेम बनाइए, और उस फ्रेम को आप बटन क्लिक के ऊपर यूजर के सामने शो कर सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इन्हीं बटन से अगर काम आपका हो रहा है तो आप इन ऑप्शंस को कर सकते हैं यूज। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप यूजर के सामने यस या नो का बटन रखते हैं
या येस नो कैंसिल का बटन रखते हैं या ओके कैंसिल का बटन रखते हैं, तो यूजर इनमें से किसी बटन को क्लिक करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या आप ये जानना चाहेंगे यूजर ने कौन सा बटन क्लिक करा है? आपने उससे एक सवाल पूछा, सवाल के दो जवाब हैं, उनमें से एक जवाब है यस, एक जवाब है नो। एज अ प्रोग्रामर वुड यू लाइक टू नो वेदर यूजर सेलेक्टेड यस और वेदर यूजर सेलेक्टेड नो? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम ये जानेंगे नहीं यूजर ने यस या नो क्या सेलेक्ट करा है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें अगला एक्शन कौन सा लेना है? सही कह रहा हूं? तो जो भी बटन यूजर क्लिक करता है, जावा उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिक कोड, सुनना ध्यान से, जावा उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिक कोड आपको रिटर्न करती है। इसलिए शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब दीजिए ये जितने शो कंफर्म डायलॉग हैं, इन सब की रिटर्न टाइप क्या है? इन सब की रिटर्न टाइप इंटेजर है, इनकी रिटर्न टाइप इसलिए वॉइड नहीं है। इस इंटेजर से क्या पता लगता है? इस इंटेजर से आपको एक कोड मिलता है, और वो कोड क्या बताता है? वो कोड बताता है यूजर ने कौन सा बटन प्रेस करा है। जो भी बटन यूजर ने प्रेस करा होगा उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिक कोड रिटर्न होगा, ठीक है। अब बजाय इसके कि आप वो न्यूमेरिक कोड याद रखें, जावा ने उन कोड्स को भी नाम दे रखे। तो अगर यूजर ने यस बटन प्रेस करा, तो जो न्यूमेरिक कोड आपको मिलेगा वो किसके बराबर होगा? जो न्यूमेरिक कोड आपको मिलेगा वो किसके बराबर होगा? तो वो यस अंडरस्कोर ऑप्शन की वैल्यू के बराबर होगा। तो यस अंडरस्कोर ऑप्शन एक इंटेजर है, यस इसकी कुछ वैल्यू होगी, शायद 1 2 3 कुछ होगा। वही 1 2 3 जो इसकी वैल्यू है, वही वैल्यू तब भी रिटर्न होगी जब यूजर आपके कंफर्म डायलॉग पे यस को क्लिक करेगा। ऐसे यूजर अगर नो पे क्लिक करेगा तो फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होगी जो नो अंडरस्कोर ऑप्शन के बराबर होगी, ओके। इसी तरह से यूजर ओके पे क्लिक करेगा तो ओके की वैल्यू आएगी, और कैंसिल पे क्लिक करेगा तो कैंसिल की वैल्यू आएगी। समझ आ गया? रिटर्न वैल्यू क्लियर? चलिए, तो अब अपने गलत कोड को थोड़ा बेटर कर दें, या यूं कह लीजिए थोड़ा सा फ्रेंडली बना दें, एंड मूविंग ऑन टू दिस क्विट पार्ट। इसमें हम सीधे एक लाइन का कोड लिखकर एप्लीकेशन को बंद कर दे रहे हैं। ज्यादा बेटर ये होगा कि बंद करने से पहले यूजर से कंफर्मेशन मांगा जाए। पहले आप एक इंटीजर ले लें जिसका नाम मैं रख देता हूं रिस्पॉन्स, जिसमें यूजर का रिस्पॉन्स हम कलेक्ट करेंगे। यहां हम लिखेंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू जे ऑप्शन पेन डॉट शो कन्फर्म डायलॉग। शो कन्फर्म डायलॉग में एज यूजुअल सबसे पहले मैंने नल पास करा, नल पास करने के बाद मैंने यूजर से कंफर्मेशन मांगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू क्विट, ये मेरा क्वेश्चन। टाइटल पे मैंने लिख दिया क्विटिंग, राइट, ये मेरा टाइटल बार हो जाएगा। और इसके बाद मैं चाहता हूं यूजर को मैं येस और नो दो बटन्स प्रोवाइड करूं, तो मैं लिखूंगा जे ऑप्शन पेन डॉट येस अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर ऑप्शन। और कोई आइकन सूटेबल रहे आप इस स्थिति के लिए? डू वी हैव सम आइकन? यस, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो जावा ने पूछने के लिए आइकन दिया है, यस दिया है, विच विल बी क्वेश्चन अंडरस्कोर मैसेज। ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद रिटर्न वैल्यू को आप ले लें रिस्पॉन्स में, और इस रिटर्न वैल्यू के बेस पर अब आप ये तय कर सकते हैं आगे एक्शन क्या होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा यूजर ने यस प्रेस करा है कि नो? उसके लिए आप इस रिस्पॉन्स को कंपेयर करिए जे ऑप्शन पेन के अंदर बैठे हुए एक इंटीजर से जिसका नाम है यस अंडरस्कोर ऑप्शन। क्या इसकी न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है आपको पॉपअप में? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जीरो है, तो मैं ये भी लिख सकता था इफ रिस्पॉन्स डबल इक्वल टू जीरो। जी, मैं लिख तो ये भी सकता था रिस्पॉन्स डबल इक्वल टू जीरो, लेकिन सोचिए रिस्पॉन्स डबल इक्वल टू जीरो रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खराब है, समझ ही नहीं आ रहा है जीरो का मतलब हो क्या रहा है। ओके, इसलिए इट्स गुड आप इसकी जगह लिख दें जे ऑप्शन पेन डॉट यस अंडरस्कोर ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर आपको कुछ और नहीं करना, एप्लीकेशन को कर देना है बंद, ठीक है। आप नोटिस करिए एप्लीकेशन थोड़ी सी प्रोफेशनल हो जाएगी। अब अगर मैं क्विट करूंगा तो प्रोग्राम मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, अगर मैंने बोला नहीं तो एप्लीकेशन चलती रहेगी, मैं अपना काम कर पाऊंगा कन्वर्जन करवाने का, और अगर मैंने बोला यस तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। लास्ट डायलॉग बॉक्स है हमारे पास शो इनपुट डायलॉग। एज आई सेड, शो इनपुट डायलॉग की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपका काम सिर्फ हाँ ना से नहीं चलेगा, आपको यूजर से बकायदा प्रॉपर इनपुट लेना है। अगर ये करना है तो आप यूज करेंगे शो इनपुट डायलॉग।
शो इनपुट डायलॉग क्या, जो तीसरा ओवरलोडेड वर्जन आपको दिख रहा है अगर आप गौर से देखें तो वो बिल्कुल शो मैसेज डायलॉग जैसा है। यस, वो बिल्कुल शो मैसेज डायलॉग जैसा है, सिर्फ एक फर्क है और वो फर्क है रिटर्न वैल्यू का। शो मैसेज डायलॉग की रिटर्न वैल्यू वॉइड थी, जबकि शो इनपुट डायलॉग की रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग है। आप समझ रहे हैं स्ट्रिंग क्यों है? क्या आप समझ रहे हैं इसकी रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा तो अपने साथ एक टेक्स्ट फील्ड लेकर आएगा। यूजर के सामने एक टेक्स्ट फील्ड आएगी, यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखेगा। यस, यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखेगा, जो भी वो लिखेगा वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। यस, लेकिन ये बात है कि अगर वो इंटीजर भी लिखता है तो भी वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न होगी। यस, अगर वो एक इंटीजर वैल्यू भी टाइप कर रहा है तो याद रखिएगा रिटर्न वो चीज एज अ स्ट्रिंग ही होगी। तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह करने हैं तो यहां भी आपको उस पर लगाना पड़ेगा पार्स INT, राइट? तो अब मैं चाहता हूं हमारी एप्लीकेशन यूजर से कंफर्मेशन मांगे, डू यू वॉन्ट टू क्विट? अगर यूजर बोलता है यस, तो एप्लीकेशन यूजर से उसका नाम मांगे और जो भी नाम यूजर दे उस नाम के साथ उसे थैंक यू करके बोले, थैंक यू फॉर यूजिंग दी ऐप। और अगर यूजर नाम नहीं देता है, कैंसिल दबा देता है, तो एप्लीकेशन नाम ना दिखाए, सिर्फ थैंक यू बोले। दोबारा सुनिए, मैं चाहता हूं हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम क्विट करते हुए यूजर से पहले कंफर्मेशन मांगे, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू क्विट? अगर यूजर कहता है यस, तो प्रोग्राम बंद हो, लेकिन बंद होने से पहले प्रोग्राम यूजर से उसका नाम मांगे। अगर यूजर ने नाम दिया सचिन, तो प्रोग्राम बोले थैंक यू सचिन फॉर यूजिंग दी ऐप। और अगर यूजर ने नाम नहीं दिया, कैंसिल दबा दिया, तो प्रोग्राम सिर्फ बोले थैंक यू फॉर यूजिंग दी ऐप। इज इट क्लियर? इस इफ तक का कोड तो रहेगा ही ना, एग्री मानते हैं? इतना तो रहेगा ही, ठीक है। अब अगर इस इफ के अंदर आप आते हैं, मतलब यूजर ने यस पे क्लिक करा है, एप्लीकेशन को टर्मिनेट करना चाह रहा है वो, तभी ये इफ ट्रू होगा। ओके, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको यूजर से उसका नाम चाहिए। वो कैसे लेंगे? उसके लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। और शो इनपुट डायलॉग में आप सबसे पहले तो पास कर दें नल, नल पास करने के बाद यहां पास कर दें आप अपना मैसेज कर सकते हैं। मैसेज हो गया आपका व्हाट इज योर नेम, ये आपने यूजर को मैसेज दिया। व्हाट इज योर नेम के बाद आप अपना टाइटल बार सेट कर दें, तो मैंने टाइटल बार सेट करा, राइट? यहां लिख दिया मैंने नेम रिक्वायर्ड, ये हमारा टाइटल बार हो गया। टाइटल बार के बाद अब मुझे कोई आइकन चाहिए, तो क्या आप यूजर को कुछ बता रहे हैं? नहीं। क्या आप यूजर से कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तो बेटर है आप यहाँ पे ले आए जे ऑप्शन पेन डॉट क्वेश्चन अंडरस्कोर मैसेज। तो ये पूछने के हिसाब से आपका आइकन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन। अब याद रखिएगा, अगर उसने नाम नहीं दिया, कैंसिल दबा दिया, ये अपने आप दो बटन देगा ओके और कैंसिल। अगर उसने नाम नहीं दिया और कैंसिल दबा दिया, तो आपके नेम में नल आएगा। समझ आ रहा है? अगर उसने कुछ नहीं दिया और कैंसिल दबा दिया, तो आपके नेम में नल रिटर्न होगा, करेक्ट? मैं नहीं चाहता हूं कि नल दिखे, मैं चाहता हूं अगर ऐसा है तो फिर थैंक यू दिखे सिर्फ, और अगर ऐसा नहीं है तो थैंक यू के साथ नाम दिखे। स्ट्रिंग ले लें, उस स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज डाल दें, डाल सकते हैं। उस मैसेज में लिख दें अपन थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप, ठीक है? और यहां पर एक इफ लगा लें, और इफ में चेक कर लें अगर नेम की वैल्यू नल नहीं है, तो हम लोग इस मैसेज में प्रीफिक्स में नेम डाल सकते हैं। बोलिए जल्दी, हेलो के साथ, हेलो प्लस नेम प्लस फॉलोड बाय मैसेज, विल दिस वर्क? बताइए ये कंकैटिनेशन चलेगा? तो अगर यूजर का दिया हुआ नाम नल नहीं होगा, तो हेलो के साथ उसका नाम प्रीफिक्स में आ जाएगा और बाद में आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप। और अगर उसका नाम नल हुआ, तो इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। यस, इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो कोड इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, मैसेज में रहेगा सिर्फ थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप। मैसेज दिखाने के लिए इसी को यूज करें, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है? बस इसके पैरामीटर्स आप थोड़े से बदल देंगे, तो हम इसे इसके बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर इसे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करते वक्त इसकी पैरामीटर वैल्यूज बदल देते हैं। ये जो प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली है,
इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आपका स्ट्रिंग वेरिएबल आएगा मैसेज, राइट। एरर, एरर की जगह ऊपर अपन यूजर को बोल देते हैं हैव अ गुड डे, ठीक है। ये आपका टाइटल बार सेट हो गया। प्लेन मैसेज की जगह मैं चाहता हूं यूजर को इंफॉर्मेशन दे दूं, यहां पर प्लेन मैसेज डॉट, ये हो गया इंफॉर्मेशन मैसेज जे ऑप्शन पेन डॉट के साथ, और आइकन मुझे अपनी तरफ से कोई दूसरा चाहिए नहीं तो मैंने उसको कर दिया चेंज। अब करिए रन, रन करने पर आपने क्विट करा, क्विट करने पर यस करा, सचिन बोला, ओके करा, तो एप्लीकेशन बोलेगी हेलो सचिन थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप, और बंद हो जाएगी। बंद नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि अपन ने सिस्टम डॉट एग्जिट नहीं लिखा, सो वो भी लिखना होगा, ठीक है। यहां आ जाएगा सिस्टम डॉट एग्जिट, ये एक लाइन और, नाउ रन द ऐप। रन करने पर क्विट पे क्लिक करा आपने, यस पे क्लिक करा, लेकिन आपने नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया तो नोटिस करिए कोड सिर्फ थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप कहकर बंद हो जाएगा, और अगर आपने नाम दिया होगा तो थैंक यू के प्रीफिक्स में आपको वो टेक्स्ट दिख जाएगा जो आपने टाइप करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दीपक, प्रोग्राम कह देगा थैंक यू दीपक, हेलो दीपक थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप। चलिए अब आते हैं अगले कॉम्पोनेंट्स पे, जी वाई से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। अभी बताइए लास्ट लेक्चर से लेकर अभी तक आपने जब भी यूजर से इनपुट मांगा है, अब मैं कह रहा था आप लास्ट लेक्चर से लेकर अभी तक यूजर से जितने भी इनपुट्स ले रहे हैं वो वाया टेक्स्ट फील्ड ले रहे हैं, जल्दी जवाब दें यस। क्या ये सही है कि यूजर से हर इनपुट टाइप कराया जाए? नहीं है सही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजर से उसका जेंडर ले रहे हैं तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि यूजर जेंडर सेलेक्ट कर ले ऑप्शंस में से, राइट? या आप यूजर से कोई कलर चॉइस ले रहे हैं तो क्या ये बेटर होगा कि यूजर के सामने आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दें और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से यूजर अपनी चॉइस ले, होगा ना बेटर? तो अगर आपको यूजर से टाइपिंग नहीं करानी है, सेलेक्शन करवाना है, चूज करवाना है, चॉइस ऑफर करनी है, तो आपको इस काम को करने के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है चार क्लासेस। चारों के नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा है कौन क्या करेगा? चारों क्लासेस के नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? एक क्लास का नाम है जे चेकबॉक्स। इससे क्या होगा? इससे आपके फ्रेम पे चेकबॉक्सेस आएंगे। चेकबॉक्सेस क्या होते हैं? चेकबॉक्सेस स्क्वायर शेप बटन होते हैं जिन्हें क्लिक करने पर चेकमार्क आता है और दोबारा क्लिक करने पर चेकमार्क चला जाता है। यस, दोबारा क्लिक करने पर चेकमार्क चला जाता है। और एक साथ अगर आपने मल्टीपल चेकबॉक्सेस रखे हैं तो याद रखिएगा मल्टीपल चेकबॉक्सेस भी एक साथ ऑन हो सकते हैं। दैट मीन्स चेकबॉक्स को आप तब यूज करें जब आप यूजर को जो चॉइस ऑफर कर रहे हैं उस चॉइस में वो एक से ज्यादा ऑप्शंस चूज कर सकता है। तो क्या ये बेटर रहेगा अगर हम एक पिज्जा एप्लीकेशन बना रहे हैं और यूजर के सामने टॉपिंग्स का ऑप्शन रख रहे हैं? क्या पिज्जा के ऊपर टोमेटो की टॉपिंग, कैप्सिकम की टॉपिंग, ओलिव की टॉपिंग एक साथ मल्टीपल टॉपिंग्स ली जा सकती हैं? यस, तो ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे चेक बॉक्सेस। अगर आपको यूजर को कुछ ऐसी चॉइस देनी है जिसमें वो एक से ज्यादा ऑप्शंस चूज कर पाए। अगर आपको लगता है सर चॉइस तो देनी है मुझे यूजर को एक से ज्यादा, लेकिन चूज में चाहता हूं वो एक ही कर पाए, जैसे कि जेंडर, जैसे कि पेमेंट ऑप्शंस, अगर ऐसा कुछ है तो आप यूज करेंगे रेडियो बटन। रेडियो बटन सर्कुलर शेप बटन्स होंगे, राइट, जिनमें एक बार में यूजर एक को ही सेलेक्ट कर पाएगा। अगर एक को सेलेक्ट करने के बाद वो दूसरे पे क्लिक करता है तो पहले का सिलेक्शन अपने आप ऑफ हो जाएगा। इस बिहेवियर को क्या बुलाते हैं? इस बिहेवियर को बुलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गौर कीजिएगा, जावा की दुनिया में इस बिहेवियर को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो रेडियो बटन्स आप उन सिचुएशंस में यूज करें जहां आपको एक्सक्लूसिवली मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन चाहिए। क्लियर है? क्लियर है, राइट। अब चेकबॉक्स और रेडियो बटन तभी तक अच्छे हैं जब तक चॉइसेस लिमिटेड हैं। सुन रहे हैं आप ध्यान से मेरी बात? जब तक चॉइसेस लिमिटेड हैं। अब इमेजिन करिए यूजर से आपको उसका बर्थ मंथ चाहिए, यूजर से आप उसका बर्थ मंथ लेना चाहते हैं। ये तो कंफर्म बात है, बर्थ मंथ को एक ही होगा, दो बार तो कोई इंसान पैदा होता नहीं है, है ना? तो रेडियो बटन सही रहेगा। लेकिन दिमाग लगाइए, आपको नहीं लगता आपका पूरा फ्रेम 12 रेडियो बटन से भर जाएगा? क्योंकि बर्थ मंथ 12 आएंगे तो कितना अजीब लगेगा फ्रेम का यूआई। तो जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और आप चाहते हैं चूज यूजर कोई एक कर पाए, तो आप यूज करते हैं कॉम्बो बॉक्स।
कॉम्बो बॉक्स रेडियो बटन वाला ही बिहेवियर देता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स आपके फ्रेम के ऊपर कुछ ऐसे नजर आएगा। ऐसे जब यूजर क्लिक करेगा तो एक ड्रॉपडाउन आएगी, उस ड्रॉपडाउन में से यूजर अपना सिलेक्शन कर ले और अपने आप ये ड्रॉपडाउन हट जाएगी। नोटपैड में आपने देखा होगा कॉम्बो बॉक्सेस को, देखा है फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर? बिल्कुल, जिनको लग रहा है नहीं याद आ रहा है, आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं मैं। गो टू नोटपैड, नोटपैड में फॉन्ट को खोलिए और फॉन्ट में बिल्कुल नीचे जो आपको दिख रहा है ना स्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉपडाउन। ये बाकी लैंग्वेजेस में ड्रॉपडाउन कहलाता है, और जावा इसको क्या बोलती है? जावा इसको बोलती है कॉम्बो बॉक्स। इन जावाज वर्ल्ड वी कॉल इट एज कॉम्बो बॉक्स। दिख रहा है? ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स आपको तब भी दिखता है ना जब आप सेव करते हैं। तो नोटिस करिए, ये जो दिख रहा है ये भी कॉम्बो बॉक्स है सेव एज में, राइट? ये जो आपको दिख रहा है ये भी कॉम्बो बॉक्स है, ये जो आपको दिख रहा है ये भी कॉम्बो बॉक्स है, जिसमें आप लोकेशन चूज कर पा रहे हैं जहां पर आपको सेव करनी है। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके का कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो यूज करिए आप कॉम्बो बॉक्स। ठीक, देन वी हैव द लास्ट कॉम्पोनेंट विच इज कॉल्ड जे लिस्ट। जे लिस्ट से क्या होगा? जे लिस्ट से यूजर के सामने, ये मान लीजिए अगर फ्रेम है तो यूजर के सामने ऐसी एक लिस्ट आएगी। लिस्ट के दोनों एंड पे आप देखेंगे आपको स्क्रोलिंग का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे जैसे आप इस स्क्रोल बार्स को क्लिक करते जाएंगे लिस्ट के ऑप्शंस स्क्रोल होते जाएंगे। दूसरी खास बात, लिस्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि यूजर एक से ज्यादा ऑप्शंस चूज कर पाए। फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं और यूजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज कर रहा है, ऑप्शनल एक से ज्यादा हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, यस। उस केस में आप फिर कॉम्बो नहीं ले सकते। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्बो ले लिया तो यूजर विल बी अलाउड टू सेलेक्ट ओनली वन सब्जेक्ट। अगर आप उसको एक से ज्यादा सिलेक्शन ऑफर करना चाहते हैं बट चेकबॉक्स नहीं लेना चाहते हैं तो यूज करेंगे आप जे लिस्ट। सबका आइडिया लग गया? शुरू करें कोडिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेकबॉक्सेस की। बताइए सारे मेथड्स, सारी प्रॉपर्टीज समझ आ रही हैं सिवाय एक के? वो भी समझ में तो आ ही रही होगी लेकिन वो आपने अभी तक किसी और के साथ देखी नहीं है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी याद है क्या करेगी? याद है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेकबॉक्स का टेक्स्ट सेट करेगी। आइकन से चेकबॉक्स पे आप आइकन ला सकते हैं, फॉन्ट से चेकबॉक्स का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड से कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्टेड से क्या होगा? सेलेक्टेड प्रॉपर्टी से आप ये तय कर सकते हैं कि जब एप्लीकेशन लोड होगी तो क्या चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड दिखे। अगर आप चाहते हैं चेकबॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड दिखे तो आप सेलेक्टेड को ट्रू कर दीजिए, अदरवाइज सेलेक्टेड को आप रखने दीजिए फॉल्स। समझ आ रहा है सेलेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, समझ आ रहा है सेलेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज क्या है? राइट, अब आते हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन चेकबॉक्स को यूज करते थे। मैंने जीवाई ऐप के अंदर एक फ्रेम बनाया, इस बार मैंने नाम दिया चेक बॉक्स डेमो फ्रेम। चेकबॉक्स डेमो फ्रेम मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया। एज यूजुअल थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, इसके ऊपर पैनल रखा, ये हमारा पैनल है। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको चेकबॉक्स लाकर दिखा रहा हूं और उसका रन टाइम बिहेवियर शो कर रहा हूं। ये मैंने एक चेकबॉक्स पुल करा पैलेट से। पैलेट में अगर आप नोटिस करें तो आपको स्विंग कंट्रोल्स में चेकबॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है? और इस चेकबॉक्स का टाइटल फिलहाल मैंने कर दिया है क्लिक मी। बस इतना ही रखकर इसको चला के देखते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे आपको पैनल के ऊपर चेकबॉक्स नजर आएगा, क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो बिहेवियर आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इस बिहेवियर को बोलते हैं टॉगल। तो चेकबॉक्सेस नेचर वाइज क्या होते हैं? चेकबॉक्सेस नेचर वाइज टॉगल बटन्स होते हैं, जिन्हें क्लिक करने पर वो ऑन हो जाते हैं और उन्हीं को क्लिक करने पर वो ऑफ भी हो जाते हैं। ये क्लियर हुई बात? राइट, अब आते हैं इसकी इवेंट हैंडलिंग पे कि आप चाहेंगे चेकबॉक्स पे क्लिक करें तो प्रोग्राम कोई एक्शन ले, यस। और जनरली ये देखा गया है कि चेकबॉक्स अगर ऑन होता है तो एक्शन कुछ और होता है, और चेकबॉक्स अगर ऑफ होता है तो एक्शन कुछ और होता है। जैसे मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, वो ये है कि हमारा जो चेकबॉक्स है उसका कैप्शन में कर रहा हूं चेंज बैकग्राउंड कलर, ठीक है? तो आई वॉन्ट, अगर यूजर इस चेकबॉक्स को क्लिक करता है तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन तब जब ये चेकबॉक्स ऑन हो, और अगर यूजर इस चेकबॉक्स को क्लिक करता है और ऑफ कर देता है
तो मैं चाहता हूं पैनल का ओरिजिनल कलर पैनल को वापस मिल जाए। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर यूजर इस चेकबॉक्स को क्लिक करता है तो बैकग्राउंड कलर मान लीजिए रेड हो जाए, और अगर वो दोबारा इस चेकबॉक्स को क्लिक करता है और चेकबॉक्स ऑफ हो रहा है तो बैकग्राउंड कलर रेड से वापस ओरिजिनल कलर पे लौट आए। इज द चैलेंज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब पढ़िए चेकबॉक्स इवेंट कौन सा फायर करता है, बटन कौन सा इवेंट फायर करता है क्लिक होने पर, बटन क्लिक होने पर कौन सा इवेंट फायर करता है? तो जवाब है बटन क्लिक होने पर एक्शन इवेंट फायर करता है। जावा फायर करती है आइटम इवेंट। ओके, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तो जावा कौन सा मेथड कॉल करती थी? जब आप बटन पे क्लिक करते थे तो जावा कौन सा मेथड कॉल करती थी? बटन के लिए जावा कॉल करती थी एक्शन परफॉर्म्ड, करती थी ना। ऐसे चेकबॉक्स के लिए जावा एक्शन परफॉर्म की जगह जो मेथड कॉल करती है उसका नाम है आइटम स्टेट चेंज्ड, ये मेथड कॉल करती है जावा। फिर एक्शन परफॉर्म किसका पार्ट था, कहां से आया था जावा के अंदर? तो याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, एक्शन परफॉर्म एक इंटरफेस से आता है। क्या नाम है उस इंटरफेस का? उस इंटरफेस का नाम है एक्शन लिसनर। ऐसे आइटम स्टेट चेंज भी एक इंटरफेस से आता है। क्या नाम है उस इंटरफेस का? इंटरफेस का नाम है आइटम लिसनर। लेकिन क्योंकि आप नेटबीन्स में काम कर रहे हैं, आपको इस इंटरफेस से डायरेक्ट डील करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, आपको इस इंटरफेस का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा, अपने हाथों से नेटबीन्स करेगा इससे डील। नेटबीन्स इसको इनहेरिट भी कर लेगा, क्लास भी बना देगा, और आपको ब्लैंक बॉडी इस मेथड की बना के भी दे देगा। अब आता है दूसरा बड़ा चैलेंज, ये मेथड कब कॉल होगा, चेकबॉक्स के ऑन होने पर कि चेकबॉक्स के ऑफ होने पर कॉल होगा? इसके सबूत के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो इस चेकबॉक्स का नाम बदल देता हूं मैं, इसका नाम कर देता हूं CHK चेंज कलर। ठीक है, अब मैं इसका इवेंट जनरेट कर रहा हूं। कौन से इवेंट में जाना है? जाना है अपन को आइटम इवेंट में। ये रहा हमारा आइटम, ये रहा आइटम स्टेट चेंज, यहां आइए। अब यहां पर अगर मैं एक एसओपी लिखता हूं, सिंपल सा एसओपी लिख रहा हूं, system.out.println, और यहां पर लिखता हूं चेकबॉक्स क्लिक्ड, तो आप देखेंगे ये चेकबॉक्स क्लिक का मैसेज आपको दोनों केसेस में मिलेगा। करिएगा ऑब्जर्व, ऑन हो रहा है तब भी मिल रहा है, ऑफ हो रहा है तब भी मिल रहा है। आर यू एबल टू नोटिस दिस? चेकबॉक्स के ऑन होने पर भी ये इवेंट फायर होता है, ऑफ होने पर भी होता है। अब जो मैंने आपको चैलेंज दिया है उसमें कलर चेंज तो तब करना है ना सर, चेकबॉक्स ऑन हो, यस और नो, और अगर चेकबॉक्स ऑफ होता है तो ओरिजिनल कलर लाना है। तो हमें अलग अलग एक्टिविटी करनी है ना, ऑन स्टेट पे अलग और ऑफ स्टेट पे अलग एक्टिविटी करनी है। वेरी गुड, तो कौन आपको बताएगा कि चेकबॉक्स इस समय ऑन है कि ऑफ है? तो चेकबॉक्स के पास एक मेथड है, चेकबॉक्स के खुद के पास एक मेथड है। क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम है इस सेलेक्टेड। क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा ये ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो चेकबॉक्स ऑन होगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है चेकबॉक्स ऑफ है। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे देता हूं ताकि इस मेथड की भी वर्किंग का आपको अंदाजा लगे। डेमो कुछ ऐसा होगा, नोटिस कीजिए, यहां आकर अपन एक इफ लगा के चेक कर लेते हैं। इफ CHK चेंज कलर डॉट इज सेलेक्टेड, CHL नाम गलत हो गया, अब यहां पर आपने कहा CHK चेंज कलर डॉट इज सेलेक्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू, राइट? तो आप यहां पर अपना मैसेज चेंज करके लिख सकते हैं चेकबॉक्स सेलेक्टेड, राइट? और अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरा मैसेज लिख सकते हैं चेकबॉक्स डी सेलेक्टेड, चेकबॉक्स डी सेलेक्टेड। अब रन कीजिए तो आपको मैसेज तो अभी भी मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे, ऑन होने पर सेलेक्टेड और ऑन होने पर डीसेलेक्टेड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब जरा आप ये एप्लीकेशन बनवा दीजिए। तो असली काम ये तो है नहीं हमारा, इस मैसेज को प्रिंट करना। हमारा एक्चुअल काम है फ्रेम के बैकग्राउंड कलर को चेकबॉक्स के ऑन होने पर रेड कर देना और चेकबॉक्स के ऑफ होने पर ओरिजिनल कलर ले आना करना पड़ेगा। ठीक है, पैनल को नाम दे देते हैं एक, पैनल का नाम चेंज करके कर देते हैं माय पैनल।
ये पैनल का नाम रख दिया मैंने, इफ लगेगा अंदर, इफ सी एच के चेंज कलर डॉट इज सेलेक्टेड, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या करना चाहेंगे, पैनल का बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं माई पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड और यहां आ जाएगा कलर डॉट येड, ठीक, कि जब एप्लीकेशन लोड होगी तो इस समय पैनल को जो कलर मिला हुआ है, जावा हमें वो कलर बता सकती है? बिल्कुल, आप जावा के बेसिक्स याद कीजिए, जावा अधिकतर गेटर्स और सेटर्स दोनों देती है ना, अगर सेटर दिया है तो गेटर भी देगी ना, तो अगर जावा ने सेट बैकग्राउंड दिया है तो जावा ने गेट बैकग्राउंड भी दिया होगा, यस, सेट बैकग्राउंड से कलर सेट कर सकते हैं और गेट बैकग्राउंड से कलर ले सकते हैं अपन, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग क्लास लेवल पे जाएं और एक कलर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें, कर सकते हैं, जिसका नाम रख देते हैं ओल्ड कलर, राइट, कलर ओल्ड कलर। अब इस ओल्ड कलर में मुझे वो कलर चाहिए जो एप्लीकेशन के रन होते वक्त पैनल का डिफॉल्ट कलर था, हालांकि आप अगर सोचें तो मैं पैनल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर बैकग्राउंड कलर में जाकर देख सकता हूं ना डिफॉल्ट क्या है, 240 240 240 है, लेकिन ये तो अभी है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज भी तो कर सकता हूं ना, हर बार 240 होगा इसकी गारंटी थोड़ी है, राइट, तो जो ज्यादा सेफ तरीका है वो ये है कि आप इनिट कंपोनेंट के बाद लिख दें ओल्ड कलर इज इक्वल टू माय पैनल डॉट गेट बैकग्राउंड, नोटिस करिए, ऐसा लिखकर आपके इस ओल्ड कलर में ओरिजिनल कलर आ जाएगा पैनल का, अब वो ओरिजिनल कलर जो भी हो, ग्रे हो, व्हाइट हो, रेड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, जो भी हो, वो आ जाएगा आपके ओल्ड कलर में, और यहां जहां आपने else लिखा हुआ है, यहां else के अंदर हम एक लाइन लिख सकते हैं माई पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड, और इस सेट बैकग्राउंड में कैन बी पास ओल्ड कलर, यस वी कैन पास ओल्ड कलर, रन कीजिए। अब आप नोटिस करिए, जब आप इस चेकबॉक्स को ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो चेकबॉक्स के कारण पैनल को अपना ओरिजिनल कलर वापस मिल जाएगा, ये भी क्लियर हुई बात, राइट, इस तरह से आप चेकबॉक्सेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका चैलेंज, तो सुनिए आपको क्या करना है, आपको एक नहीं तीन चेकबॉक्सेस लेने हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तीन चेकबॉक्सेस लेने हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है, जो पहला चेकबॉक्स है उस पर लिखा होगा रेड, जो दूसरा चेकबॉक्स है उस पर लिखा होगा ग्रीन, और जो तीसरा चेकबॉक्स है उस पर लिखा होगा ब्लू, ठीक है। एज अ यूजर अगर मैंने रेड पे क्लिक करा तो क्या हो जाना चाहिए पैनल का बैकग्राउंड कलर, पैनल का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए, रेड के रहते में मैंने ग्रीन पे भी क्लिक कर दिया तो पैनल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए, याद रखिएगा, ये नहीं कि ग्रीन रेड को ओवरलैप कर जाए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर रेड और ग्रीन के ऑन रहते में इस समय कलर येलो है, अब मैंने रेड को ऑफ कर दिया, रेड को मैंने डीसेलेक्ट कर दिया तो पैनल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, तो पैनल का बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ग्रीन, ओके, ग्रीन के ऑन रहते में मैंने ब्लू को ऑन कर दिया तो पैनल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन, राइट, ऐसे ही अगर मैंने ग्रीन को ऑफ कर दिया तो पैनल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, तो पैनल का बैकग्राउंड कलर सिर्फ ब्लू दिखना चाहिए, और अगर मैंने इन तीनों को ऑफ कर दिया तो पैनल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक, ओरिजिनल कलर पैनल का ब्लैक रखिएगा आप, जब एप्लीकेशन लोड हो तो पैनल का डिफॉल्ट कलर क्या हो, पैनल का डिफॉल्ट कलर ब्लैक हो, राइट, तो अगर ये तीनों ऑफ रहे तो पैनल का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, और अगर ये तीनों ऑन हो जाए तो, अगर ये तीनों ऑन हो जाए तो पैनल का बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो, ये अपन को करना है, हो जाएगा चैलेंज पूरा, चलिए बाय बाय, टेक केयर।